हेलो बच्चों, आप सबका आपका प्यारा चैनल हिंदी की पढ़ाई में स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर मैं समय समय पर हिंदी से संबंधित पाठों और जानकारियों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाती हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा कि कब नया वीडियो अपलोड किया गया है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग आज देखेंगे कि मानक जो है देवनागरी भाषा जो है उसमें मानक रूप से वर्णमाला किस तरह से होते हैं। चलिए हम लोग आज हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं। तो बच्चों, जब आप हिंदी का वर्णमाला देखते हैं तो हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब होता है वैसे अक्षर जिनके उच्चारण के समय हमारे जो ओंठ है वो आपस में एक दूसरे से सटते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते हैं और आवाज़ हमारे मुंह से आती है, तो वैसे जो अक्षर होते हैं उन सभी को क्या कहा गया है, स्वर कहा गया है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होते हैं। मुख्य रूप से स्वर जो हैं वो 11 ही होते हैं, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो लिखते समय हम अंग और अह को भी लिखते हैं। तो इन अंग और अह को लिखते समय हम बोलते हैं कि स्वर 13 हैं, पर असल में व्याकरण के अनुसार स्वर सिर्फ 11 हैं। तो टोटल कितना हो गया, 11 स्वर होते हैं। स्वर जो हैं वो 11 होते हैं। अच्छा, अब चलिए इसका उच्चारण कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उच्चारण जो है, जब भी आप स्वर को ध्यान से देखेंगे तो पहला अक्षर का उच्चारण थोड़ा धीमे से होता है और दूसरे अक्षर का उच्चारण थोड़ा जोर से होता है। जैसे कि इसको बोलेंगे अ आ ई ई उ री ए आई ओ आओ। तो ये 11 जो हैं ये स्वर हैं। तो फिर ये अंग और अ क्या है बच्चों? जब आप अंग बोलते हैं तो अंग बोलते समय अ और ग दोनों का उच्चारण होता है। तो अ तो स्वर है लेकिन ग क्या है, ग व्यंजन है। तो इसका मतलब है कि ये अंग, या कभी कभी इसको हम अम भी बोलते हैं, जब अम बोलेंगे तो इसमें अ और म का उच्चारण होता है। अ तो भवेल है यानी कि स्वर है और म जो है वो क्या है, ये व्यंजन है। तो अम में क्या, अंग या अम में क्या क्या छुपा हुआ है, अ यानी कि स्वर और ग या म यानी कि व्यंजन। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ना तो ये स्वर है और ना ही ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। इसी तरह से जब आप अ को देखेंगे तो इसमें अ और ह दोनों का उच्चारण होता है, जहाँ पर अ क्या है, अस्वर है और ह क्या है, तो ह जो है वो व्यंजन है। इसलिए अ को भी ना तो स्वर माना गया है और ना ही इसको व्यंजन माना गया है। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, जो शब्द ऐसे जो भी अक्षर ऐसे होते हैं जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उसको हम बोलते हैं अयोग्यवा। उसको क्या बोलते हैं, अयोग्य वा, वैसे अक्षर को हम बोलते हैं अयोग वा। तो ये अ और अ ये दोनों अयोग वा कहलाते हैं। और चूंकि इन दोनों को जब हम मात्रा में लिखते हैं तो डॉट में लिखते हैं, यहाँ पर भी डॉट के रूप में आता है, इसलिए हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन क्या है, ऐसे अक्षर जिनके
उच्चारण के समय या जिनको लिखते समय हम बिना स्वर के नहीं लिख सकते हैं, जिनका उच्चारण करते समय और लिखते समय दोनों ही समय में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे अक्षर को हम व्यंजन कहते हैं। तो क, क में अ खत्म होता है, ख ग घ, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ ऐसे होता है। तो ये हो गया क ख ग घ अंग। ये पांच जो व्यंजन हैं इनको हम कवर्ग कहते हैं। फिर है च छ ज झ य, इनको हम चवर्ग कहते हैं। फिर है ट ठ ड ढ ण, इनको हम टवर्ग कहते हैं। बच्चों जब इस ड के नीचे यहाँ पर जैसे है बिंदी लगा दिया जाता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है। यहाँ पे हम इसको ड बोल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ड, बस बिंदी लगा देने से। इसी तरह से यहाँ इसे हम ढ बोलेंगे और जब बिंदी लगा देंगे तो इसे हम कहेंगे ढ ढ। फिर त थ द ध न, ये पांचों क्या है, इसको हम तवर्ग कहते हैं। फिर है प फ ब भ म, इन पांचों को हम पवर्ग कहते हैं, मतलब ये सभी एक ही क्लास के व्यंजन हैं। फिर नीचे देखते हैं, इसके बाद आता है, अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो व्यंजन थे यहाँ क से लेके क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इन सब का उच्चारण जो होता है इसके उच्चारण के समय हमारे ओठ जीभ मूर्धा तालु ये सभी आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। ये सभी व्यंजन को एक नाम दिया गया है और इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, कहाँ, यहाँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। फिर देखो बच्चों, इसके बाद आता है प प प भ म के बाद आता है य र ल व। ये जो चार व्यंजन हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से एक ताकत या शक्ति लगा करके हमें इनका उच्चारण करना पड़ता है। तो हमारे अंदर यानी अंतस्थ से एक तरह से हमें ऊर्जा या ताकत लगाना पड़ता है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है तालव्य श मूर्धन्त श दंत स और ह, इनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों इनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं, कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से हमारे मुंह से एक तरह का गर्म हवा निकलता है, तो गर्म हवा या गर्मी को हम उष्म भी कहते हैं हिंदी में, इसलिए इन सभी व्यंजनों को क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहते हैं। इसको हम तालव्य श कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारे तालु का हम लोग तालु का सहायता लेते हैं। इसको हम मूर्धन्त स कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा जो जीभ होता है वो ये मूर्धा से जा कर के स्पर्श करता है। इसको हम दंत स कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण के समय हमारा जीभ हमारे दांत को स्पर्श करता है। ये हो गया तालव्य श, तालु को स्पर्श करता है हमारा जीभ। ये हो गया मूर्धन्त स, मूर्धा को स्पर्श करता है तब उच्चारण होता है। और यह दंत स क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा
जीभ जो है वो दांत से स्पर्श करता है। इसके अलावा ये सभी एक वर्ग के थे, कौन से थे? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, जिसमें स्पर्श करता था हमारे मुंह के अलग अलग भाग। और ये अंतस्थ व्यंजन है, ये पहला प्रकार था, ये दूसरा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार था, और हम लोग अब चौथे प्रकार के व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो चौथे प्रकार का व्यंजन क्या है? इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन? संयुक्त मीन दो आपस में कोई दो चीज़ मिलता हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, यहाँ ये अक्षर है, तो अक्षर में क्या हो गया है? आधा क, क हलंत, देखिए हलंत की मात्रा है ना यहाँ पे, हलंत का मतलब, मात्रा का मतलब होता है कि वो अक्षर संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। तो हाफ क, आधा क जब मूर्धन्त स से मिलता है तो दोनों मिलकर क्या बनाता है? अक्षर बनाता है। इसी तरह से जब त हलंत यानी आधा त और र आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के त्र का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ज हलंत यानी कि आधा ज और य आपस में जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर ज्ञ बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तालव्य श और र ये दोनों आपस में मिलकर के स्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्यंजन, ये तो हम जान गए थे कि स्वर जो हैं वो 11 होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्वर हम 13 लिखते हैं। इसी तरह से जब हम व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं? आओ हम लोग काउंट करके देखें। तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो 33 जो होता है वो व्यंजन होता है। इसके अलावा ये जो चार हैं इनको संपूर्ण व्यंजन नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें दो दो अक्षर आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा जब आप देवनागरी लिपि को पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ और भी अक्षर आते हैं, जैसे कि क के नीचे तुम डॉट देखोगे, ख के नीचे का भी डॉट देखोगे, बिंदी लगा हुआ। तो इनको हम क्या कहते हैं? जब किसी भी व्यंजन के नीचे में डॉट लगा दिया जाता है तो इसे हम आगत कहते हैं, या फिर इस और इस डॉट को हम लोग नुक्ता कहते हैं। तो हम यहाँ इसको पढ़ेंगे क नुक्ता, ख नुक्ता, ग नुक्ता, ज नुक्ता, झ नुक्ता, फ नुक्ता। तो बच्चों इनका उपयोग हम कब करते हैं? जब हम हिंदी में कुछ उर्दू के शब्दों को लिखते हैं या बोलते हैं वहाँ पर इस आगत शब्दों, आगत वर्णमाला, वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है तुम सभी बच्चे वर्ण, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से समझ गए होगे। और अगली वीडियो में मैं फिर से तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा चीज़ लेकर आऊँगी। इसके लिए क्या करो तुम लोग? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा।